तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक और नए गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो आज हम खेल रहे हैं फियर फैंटम 2। हमने हाल फिलहाल में ही गार्डन ऑफ 112 की गेम प्ले सीरीज कंप्लीट की है। ओके, मैंने पूरा का पूरा गेम खत्म कर चुका है खेल के और उसमें स्केप भी कर लिया है। अगर आपने वो गेम सीरीज नहीं देखी तो जाके देख लेना, चैनल के ऊपर है। और अभी हम नई गेम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस गेम का नाम है फियर फैंटम 2, जो हाल ही लॉन्च हुई है। और मुझे इसके ग्राफिक, ये देखो आप कितने ज़्यादा बदल सकते हो, इसलिए मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे ही खेलते हैं। ओके, हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है और यहाँ पर बहुत सारी वॉल्स है और यहाँ पर क्या है डे। तो चलो ठीक है, यहाँ से ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर लो, मिड, हाई, एपिक, सिनेमेटिक, बहुत सारे ग्राफिक ऑप्शन भी है। ओके, बहुत बढ़िया। और अभी हमें पता नहीं यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। ओके, हैंड का ऑप्शन है, कैमरा का ऑप्शन है। ओके, भागना, कूदना और बैठना, इतने ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि अभी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। चारों ओर एक ही जैसी जगह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इसके जैसी ये जो गेम की टाइप है, इसमें दिमाग ख़राब हो जाता है। ओके, चेक पॉइंट हमें मिल चुका है, लेकिन अभी हमें करना क्या है। बढ़िया, यहाँ साइड में हमारे पास एक इन्वेंट्री बैकपैक का ऑप्शन भी है, बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर आई थिंक कुछ रूम जैसा है। रुको, ये कुछ मुझे नया दिखा। ओके, यहाँ पर रूम भी है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लैंप है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ओके ओके, इस ड्रॉअर के अंदर कुछ नहीं है। अभी देखते हैं इस वाले ड्रॉअर के अंदर कुछ है या नहीं है। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है सब कुछ। अभी देखते हैं। ओके, यहाँ से हमें एक लेटर मिला है, यू कैन सेव गेम एंड ऑल्सो चेक पॉइंट हियर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चेक पॉइंट तो हमें मिल गया था। यहाँ पर इन्वेंटरी है हमारी, यहाँ पर हमें एक बैटरी मिल चुकी है, पता नहीं क्या काम आएगी ये बैटरी, लेकिन रख लेते हैं। ओके, ऑप्टिमाइज करना है। अबे इससे हाथ से निकालो कैसे, देख लिया मैंने बैटरी है, कितनी बार देखो होगी यार, निकालो कैसे निकलेगा यार है? कंबाइन, ओके कंबाइन भी होता है कुछ, पांच बैटरी है, ठीक है, फाइव बैटरी से हमारे पास। अभी ड्रॉअर के अंदर भी देख लेते हैं, किसी ड्रॉअर के अंदर कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा। खोल, ओके खुल गया। चलो अभी लास्ट ये वाला बचा है, इसके अंदर भी आई थिंक कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ चाबी, ओके चाबी पड़ी है, ठीक है चाबी भी मिल गई। ये स्टेयर ले सकते हैं, हैं स्टेयर दे दो बाबा, स्टेयर दे दो। ओके चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ से अभी निकलते हैं। ओह हो, अभी यहाँ से निकलना कहाँ है, कहाँ से निकलेंगे। मुझे जहाँ तक पता है इस गेम के अंदर अब तक तो मुझे कोई भूतिया चीज़ दिखी नहीं है, लेकिन एक बड़ा सा खाली कमरा और चारों ओर दीवारें और चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा, ना कोई आवाज़, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा डराती है भाई साहब, और दिमाग भी घुमा देती है। अरे यार, लेकिन जाना कहाँ है, आए कहाँ से थे यार, कुछ पता नहीं चलता। अभी जो हमने कमरा देखा था वो भी गुम हो चुका है, पता नहीं हमने कहाँ कमरा देखा था। हम साइड साइड से चलेंगे, ओके बीच में नहीं जाएंगे कहीं पे, साइड साइड से देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन यार, अगर दरवाज़ा होगा तो होगा कहाँ दरवाज़ा। अभी तो मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, कुछ दिखा तो नहीं है कुछ ऐसा कि जो थोड़ा सा अलग लगे हमें। कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सामने कुछ है क्या, वहाँ पर थोड़ी अलग जगह लग रही है। रुको, देख के आते हैं क्या है क्या नहीं है। नहीं यार, कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी एक मेज़ टाइप है, मेज़ भी नहीं बोलेंगे और ऐसे ओपन भी नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे ही नहीं पता, क्योंकि अभी मेरा दिमाग घूम चुका है भाई साहब। यहाँ पर घूमते घूमते मेरा दिमाग घूम गया, किधर से आया था, किधर जाना है यार, भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता। चारों ओर एक ही जैसी जगह है, ये देखो एक ही कलर, एक ही लाइट, सिर्फ चारों ओर दीवारें भी एक जैसी, पिलर भी एक जैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रही कि हम कहाँ से आए थे। इधर कोई रूम है क्या, लेकिन इधर तो चारों ओर अंधेरा है भाई साहब, अंधेरे में हम नहीं जाएंगे। नहीं, अब किधर जाए, कोई तो मुझे बताओ, कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ, तेरा भाई भटक चुका है, किधर जाएंगे। अबे यार, मुझे यहाँ से कोई निकालो भाई, निकालो, कहाँ जाना है मुझे, कोई बचाओ बचाओ। मैं क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रहा हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, ओके पहले ऐसे ये जो लास्ट वाली, अभी हम लास्ट दीवार दीवार के पास है, अब यहाँ से चारों ओर देखते हुए चलते हैं। ओके,
कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी अलग लगेगा तो उधर हम जाएंगे। अभी हमें पता है कि इधर एक साइड तो पूरी पूरी दीवार है जहाँ से हम जा नहीं सकते। तो ये हमारे पास एक कैमरा है जिससे हम जूम इन करके देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ है या नहीं। ओके, बहुत अच्छी चीज़ है ये कैमरा वाली चीज़, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखो कितना दूर है फिर भी दिख रहा है सब कुछ, अच्छी बात है, बहुत अच्छे काम की चीज़ दी है इसने। चलो बढ़िया, अभी सामने क्योंकि यहाँ पर दीवार का एंड हो चुका है, इस तरफ से हम आए थे। ठीक है, ये एक रास्ता हो गया, इधर सामने सीधे जाने का ये दूसरा रास्ता। ये पूरा का पूरा सामने दीवार पर, यहाँ की सीधे सीधे चलेंगे तो सामने दीवार पर पहुँच जाएंगे। ओके, यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर भी सीधा रास्ता है। तो तीन रास्ते हमने निकाल दिए, तीन रास्तों के बीच में कुछ नहीं है। अभी आगे चल के देखते हैं, अभी यहाँ पर भी सीधा रास्ता है। ओके ठीक है, उधर से हम आए थे और इधर से हम चेक करते करते चल रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी कुछ दिमाग में घुस रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ जैसी चीज़ें हैं, अभी हम देख लेते हैं फिर यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूम टाइप बन के आ रहा है। ये देखो वहाँ पर सीधा रास्ता दिख रहा था, यहाँ पर रूम टाइप दीवार दिख रही है। एक दो, ये वाली जगह भी कुछ ठीक नहीं लग रही, इधर भी चेक करना पड़ेगा बाद में। और इधर भी ठीक है, वहीं है सारी चीज़ें। चलो बढ़िया, ओके ठीक है, चलो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि थोड़ा सा भी अलग हो। ओके, यहाँ पर इसका एंड हो चुका है, इधर तो हमने दो साइड चेक कर ली है। ओके, अभी दो साइड बची है, अभी यहाँ से चलते हैं इधर की साइड, तो इधर वाली साइड भी चेक हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से देख के चलते, कुछ भी अलग लगे तो बताना मुझे। दिख रहा है कुछ, चारों ओर देखते हुए चलो। मुझे नहीं पता हमें क्या ढूंढना है, लेकिन थोड़ा सा भी अलग लगेगा तो हम उसको देखेंगे कि कोई ऐसी जो लेटर था उसके अंदर भी कुछ हिंट तो थी नहीं, उसमें भी कुछ चेक पॉइंट की बात की थी, बस इतना ही बात था गेम सेव का। किसी ने बताया नहीं कि हमें ढूंढना क्या है, हम कैसे बाहर निकलेंगे थोड़ी सी तो। ओके, अरे भाई साहब यहाँ पर एक दरवाज़ा दिखाए, पहली बार गेम के अंदर अच्छी सी राहत मिली है, अंदर जाके देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ से ही हमें स्केप करना था, तो हमें एक दरवाज़ा ही ढूंढना था भाई साहब, अगर पहले पता होता तो दरवाज़ा ही ढूंढते, यहाँ पर तो सब कुछ ढूंढ रहे थे। और अभी हम कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ है। अरे भाई सीधा खड़ा हो ले बेटा, वेलकम टू द बैलेंस रूम। ओके, पहले वाला वॉल रूम था, वॉल वॉल रूम, अभी आ चुका है बैलेंस रूम, दरवाज़ा भी लॉक है, तो यहाँ क्या करना है। ओके, यानी कि बैलेंस करना होगा, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर एक लेटर था यार, मैंने पढ़ा नहीं। ओके, अभी समझ गया मैं, तो यहाँ पर से हमें चल के जाना है और उधर उस दरवाजे पे निकलना है, उसमें क्या बड़ी बात है, हम निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। चलो चलते हैं। एक सेकेंड, यह मुझे नशे क्यों हो रहे हैं साले, ये क्या हो रहा है, और ये क्या हुआ, रॉन्ग पाथ। अरे भाई साहब ये गंदी चीज़ है भाई, ये गंदी चीज़ है, एक तो नशे करवाते हो गंदे वाले, उसमें भी गलत पाथ। ओके एक सेकेंड, अभी मैं कुछ समझा कि इसे बैलेंस रूम कहाँ क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है उसी पर हमें चलना है, ठीक है, ये तो समझा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेड लाइन है उसके ऊपर मैं लास्ट टाइम गया तो मैं मर चुका था। अरे भाई साहब किसने पिला दी मुझे, सच में यार अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि किधर चल रहे हैं हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, अभी हो रहा है, चलो हो रहा है अभी। ओके, इधर मुड़ना है, पता नहीं मैं इतना धीरे क्यों चल रहा हूँ यार, डर लग रहा है वैसे। सच में यार ये तो बैलेंस रूम, ओके सच में बैलेंस रूम है यार, जो खेलेगा वही पता चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, ओके, तो गेम का नाम है प्लेयर फैंटम 2, जाके डाउनलोड करके खेल के देख लो एक बार। अरे भाई साहब ये कैमरा क्यों बोल रहा है, अरे मैं सही बात पे था साला, मैं गिरा कैसे हैं, ये क्या गलत सीन है भाई साहब। वहाँ पर तो कैमरा भी हिल रहा है, उर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पूरा का पूरा फोन हिल रहा हो, और उसमें भी अगर हेडफोन लगाए है तो भाई ख़त्म बात। तो यहाँ से इधर जाना है, मतलब कि जहाँ पर ये ग्रीन लाइन जा रही है वहाँ तक ही हम चल सकते हैं। ओके, इतना तो मैं समझ गया, पहले चारों ओर देख लेते कहाँ से कहाँ जाना है, इधर से इधर, लेकिन मैं जा तो सही रहा था। ओके, उसमें कोई गलत गलत बात नहीं है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब बहुत ही खतरनाक भाई, अभी डरा रहा है भाई। चलो 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 चलो, हाँ बस बीच बीच में आके रखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से जाएंगे। अरे भाई साहब
ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा रास्ता ऐसे हिल रहा है। हल ठीक है, अभी सीधे जाना है। अरे भाई कैमरा जूम इन जूम आउट करो, जूम इन मत करो। लास्ट टाइम आई थिंक मैं यहाँ पर ये कॉर्नर पे, ये देखो यहीं पे मैं गिरा था, क्योंकि मैं उधर की साइड ज़्यादा चला गया था इसलिए। तो अभी मैं आराम से इधर की साइड चला जाऊँगा। ओके चलो हो गया फाइनली। तो आई थिंक अभी हमें सीधे जाना है। चलो चलो ओके, चेक पॉइंट मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, चेक पॉइंट मिल गया, बस हमें यही चाहिए था। चलो चलो ठीक है। अरे भाई हैं यार, मतलब सीधी सी बात है कि हमें ये जो रेड बॉर्डर है उसके ऊपर पाँव नहीं रखना है, तो हम बीच में ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर, अरे भागो भाई भागो, रुकना मत, बस बस आराम से, अब थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा और, थोड़ा और। ओके ओके निकल गए, बढ़िया, क्योंकि रेड जो लाइन है उसे हमें टच नहीं करना है, अगर टच भी किया तो हम मर जाएंगे। अरे भाई साहब कितना घुमा रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी सीधा रास्ता है, चलो बढ़िया। अभी लाइन थोड़ी बड़ी हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत में तो क्या भाई साहब डराया, अभी ठीक ठाक हो गया। चलो अभी हमें कहाँ पर जाना है, लास्ट नहीं, नो लास्ट, लास्ट वाले में हम मर जाएंगे। इधर से चलो आराम से, बस देखना है कि वो रेड बॉर्डर पे हमारा पाँव ना लगे। चलो बढ़िया, अभी ये पार हो चुका है, बड़ी आसानी से पार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो गया। अभी यहाँ पर दो रास्ते, रुको देख लेते हैं, इधर से जाना है उधर से। ओके उधर से जाना, क्योंकि सामने रेड बॉर्डर है, वहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे। चलो ये सही रास्ता है, यहीं से चलकर इस बैलेंसिंग रूम को भी हमने कर लिया है पार। तुम्हारे भाई के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है भाई साहब, पाथ कंप्लीट। चलो बहुत बढ़िया, ओ भाई साहब क्या ही मज़ा आया भाई भाई। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर भी कुछ है गड़बड़ जैसी चीज़ दिख रही है तुम लोगों को? मुझे तो नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, भागो भागो, रुकेंगे नहीं। चलो दोस्तों अभी ये गेम की पार्ट वन है, फियर फैंटम 2 का पार्ट वन है अभी ये, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी ही आ जाएगा। ओके तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना कोई और गेम के लिए अगर डिमांड हो तो। नेक्स्ट वाला पज़ल जो है वो हम पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अभी ऐसे थोड़ा सा डेमो देख लो कि पार्ट 2 के अंदर क्या आने वाला है, पूरा का पूरा पार्किंग लॉट आने वाला है, देख लो एक बार क्या करना है। वो तो इस यहाँ पर एक साइड में लेटर है।